एवरीवन, आई एम डॉक्टर रामभरत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एप्लाइड साइंस, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज, मोहन नगर, गाजियाबाद। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर सेकंड ऑफ यूनिट सेकंड। इन दिस लेक्चर वी लर्न अबाउट द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग, दैट मींस वन डायमेंशनल वेव इक्वेशंस एंड देयर बाउंड्री कंडीशंस एंड इनिशियल कंडीशंस। एंड लास्ट वी लर्न द सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द इक्वेशन ऑफ द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। क्लियर? दिस इज एक्स एक्सिस, एंड दिस इज वाई एक्सिस। हियर इज द स्ट्रेस स्ट्रेन इज द स्ट्रेन OE ऑफ लेंथ L। क्लियर? लेट OA बी द स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, दैट इज एट एंड O x इज इक्वल टू जीरो एंड एट अदर एंड A x इज इक्वल टू L। क्लियर? लेट P बी एनी पॉइंट ऑन दिस एंड दिस इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज y x कॉमा जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स। इट इज ऑल्सो नोन एज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, राइट? इफ वी पुल दिस स्ट्रिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन करेंट पोजिशन ऑफ स्ट्रिंग बिकम्स ओ पी ए, वेयर पी एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग एंड होल्ड इट। इन दिस केस द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बिकम्स वाई एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स, विच इज शोन इन द फिगर। क्लियर? एंड इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एट टी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज डेल वाई ओवर डेल टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एट टी इज इक्वल टू जीरो। द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर? विल बी जीरो। नाउ वी रिलीज दिस स्ट्रिंग, then this string moves up and down very frequently over OA. This motion of string will form a wave. Clear? Will form a wave. Now the equation of this motion is given by del square y over del t square is equal to c square del square y over del x square. This equation known as one dimensional
वेव इक्वेशन। क्लियर? हियर इट इज क्लियर दैट इट इज क्लियर बाउंड्री कंडीशंस आर नंबर फर्स्ट एक्ट एंड ओ दैट इज वाई 0, t इज इक्वल टू 0 एट एंड ए सेकेंड इज वाई l, t इज इक्वल टू 0 बोथ दीज बाउंड्री कंडीशंस विल बी 0 क्लियर एट ओ इज इक्वल टू 0 एंड द एट द एंड ओ दैट इज 0 एंड द एट एंड बी इज 0 क्लियर एंड देर आर टू इनिशियल कंडीशंस थर्ड इज वाई एक्स कॉमा 0 एफ एक्स दिस इज कॉल्ड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ कंडीशन इज दैट इज इनिशियल वेलोसिटी डेल वाई ओवर डेल टी एट टी इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी मीन्स displacement upon time at t is equal to 0 is equal to 0 this is called the initial velocity right so there are four conditions here two condition are boundary condition and two condition are initial conditions now we find the solution of one dimensional wave equation with the method of separation of variables clear the one dimensional wave equation is डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर क्लियर दिस इज द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल सो लेट अस टेक वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी बी द सॉल्यूशन बी द solution of equation first where capital X we divide this page into two parts capital X is the function of small x only and capital T is the function of small t only clear now we see that the equation second is the solution of the equation first so solution means this equation satisfies the equation first now find del square y over del t square clear this is del square over del t square to put the value of cap small y is equal to capital T capital X into capital T now we find a partial derivative with respect to T only so X is constant for this so take the X outside this so we get del square over del T square into capital T but capital T is the function of T only so in this case its total derivative is equal to partial derivative that means dt over dt is equal to del t over del small t again differentiate so we get d square t over dt square is equal to del square t over del t square so we put the value of del square t over del t square is equal to d square capital t over dt square so we get this is capital X d square capital T over dt square clear similarly we find del square y over del x square del square over del x square the value of y is capital X into capital T again we differentiate partially two times with respect to x but t constant for this so take the t outside this so we get del square capital X over del X square using the same argument we write this capital X is the only function of X so
वी राइट डेल स्क्वायर कैपिटल एक्स ओवर डेल टी डेल एक्स स्क्वायर हियर अगेन कैपिटल एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली सो वी राइट डेल स्क्वायर कैपिटल एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर कैपिटल एक्स ओवर डी स्मॉल एक्स स्क्वायर क्लियर सेम द यूजिंग द सेम आर्गुमेंट डिस्कस अबव क्लियर सो नाउ पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट द इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स कैपिटल एक्स इंटू डी स्क्वायर कैपिटल टी ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर कैपिटल टी डी स्क्वायर कैपिटल एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर क्लियर और दिस इक्वेशन कैन बी राइट एज सी स्क्वायर कैपिटल टी डी स्क्वायर कैपिटल एक्स ओवर डी स्मॉल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एक्स डी स्क्वायर कैपिटल टी ओवर डी टी स्क्वायर राइट नाउ सेपरेट द वेरिएबल्स सो वी गेट वन अपॉन कैपिटल एक्स डी स्क्वायर कैपिटल एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर इंटू टी डी स्क्वायर कैपिटल टी ओवर डी टी स्क्वायर क्लियर नाउ वी मूव ऑन द सेकेंड पेज द लास्ट इक्वेशन इज वन अपॉन एक्स डी स्क्वायर कैपिटल एक्स ओवर डी इज स्मॉल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर कैपिटल टी डी स्क्वायर कैपिटल टी ओवर डी टी स्क्वायर दिस ईयर द वैल्यू ऑफ ऑल द टर्म इक्वल सो लेट अस टेक इट टू बी ए कॉमन नंबर के देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी अराइज फॉर के के इज पॉजिटिव के इज नेगेटिव के इज जीरो नाउ वी लर्न दीज केसेस ऑफ के वन बाई वन केस फर्स्ट व्हेन के इज पॉजिटिव दैट इज लेट अस टेक के इज इक्वल टू पी स्क्वायर राइट पी बी एनी इंटीजर पी बी एनी नंबर लेट अस टेक वन अपॉन एक्स डी स्क्वायर कैपिटल एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्लियर एंड वन अपॉन सी स्क्वायर कैपिटल टी डी स्क्वायर कैपिटल टी ओवर डी स्मॉल टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर नाउ वी सॉल्व दिस फर्स्ट डी स्क्वायर कैपिटल एक्स ओवर डी स्मॉल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू कैपिटल एक्स सो वी राइट इज एज डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जीरो ऑल्सो वी टेक डी माइनस पी स्क्वायर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जीरो वेयर डी इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इन दिस इक्वेशन क्लियर दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट सो इन दिस केस वी फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी गेट बाय रिप्लेसिंग डी बाय एम क्लियर सो इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो सो वी फैक्टराइज इट वी गेट एम माइनस पी एम प्लस पी क्लियर So, we get two value of m. M is equal to plus minus p. All the roots of auxiliary equation are real and distinct. So, in this case, CF is c1 e to the power mx plus c2 e to the power minus mx. Put the value of m is c1 e to the power px plus c2 e to the power minus Yes, clear. And pi of this equation is equal to 0 because RHS of this equation is equal to 0. So complete solution x is equal to CF plus pi. Pi in this question is equal to 0. So x is equal to CF
मीन्स सी वन ई टू द पावर पी एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस पी एक्स. क्लियर. नाउ सिमिलरली सॉल्व दिस इक्वेशन. वी गेट डी स्क्वायर कैपिटल टी ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू कैपिटल टी. राइट. सो दिस इक्वेशन कैन बी राइट एज डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू कैपिटल टी इज इक्वल टू जीरो. अगेन लेट अस टेक डी ओवर डी टी इज इक्वल टू कैपिटल डी. हियर इन दिस प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टी. सो दिस बिकम्स डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो. दिस इज अगेन ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट. सो ऑर्डिनरी इक्वेशन इन दिस प्रॉब्लम इज एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. सो वी गेट एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर. टेक द स्क्वायर रूट वी गेट टू वैल्यू प्लस माइनस पी सी. अगेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. सो इन दिस केस सी एफ इज इक्वल टू सी थ्री ई टू द पावर सी पी टी प्लस सी फोर ई टू द पावर माइनस सी पी टी बिकॉज इन दिस इक्वेशन टी इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्लियर. एंड अगेन पी आई इन दिस इक्वेशन जीरो. क्लियर. बिकॉज आर सी ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो. सो सॉल्यूशन इज टी इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई. सी एफ सी थ्री ई टू द पावर सी पी टी प्लस सी फोर ई टू द पावर माइनस सी पी टी. क्लियर. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड टी इन इक्वेशन सेकेंड. सो सॉल्यूशन इन दिस केस will be y x comma t is equal to capital X. Capital X means c1 e to the power px plus c2 e to the power minus px, c3 e to the power cpt plus c4 e to the power minus cpt. This is the equation number third. Clear. In this case when k is positive then the solution we get the solution third. When k is positive then the solution is y x comma t is equal to c1 e to the power px plus c2 e to the power minus px into c3 e to the power cpt plus c4 e to the power minus cpt. Now we find the other solution when k is zero. Case second, when k is equal to 0, right, then there are two possibility. One upon capital X d square capital X over dx square is equal to 0 and take the parallel. Another one upon c square t d square capital T over dt square is equal to 0. Now first we solve this d square capital X over dx square is equal to 0 by the cross multiplication. Integrate this. Integrate, so we get d capital X over dx is equal to constant. Let us put constant is c5, say. Now we write as d capital X is equal to c5 into dx. Again integrate. So we get capital X is equal to C5X plus C6, right? In this case, we get capital X is equal to C5X plus C6. Again, from this equation can be write as D square T over DT square is equal to 0 by using the cross multiplication. So we get integrate. So we get d capital T over dt is equal to constant. Let us suppose constant is C7, say.
अगेन दिस कैन बी राइट एज डी कैपिटल टी इज इक्वल टू सी सेवन इंटू डी टी अगेन इंटीग्रेट. सो वी गेट कैपिटल टी इज इक्वल टू सी सेवन टी प्लस सी एट. सी एट इज द अनदर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. क्लियर? सो इन दिस केस सॉल्यूशन इज बाय इक्वेशन सेकेंड वाई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू सी फाइव एक्स प्लस सी सिक्स सी सेवन टी प्लस सी एट. दिस इज द सॉल्यूशन व्हेन के इज इक्वल टू जीरो. नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर फोर. अगेन नाउ वी डिस्कस द केस थर्ड व्हेन के इज नेगेटिव. दैट इज वी टेक के इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर. राइट? सो वी राइट 1 अपॉन एक्स डी स्क्वायर कैपिटल एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर एंड पैरेललली वी राइट 1 अपॉन सी स्क्वायर कैपिटल टी डी स्क्वायर कैपिटल टी ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर. नाउ बाय अप्लाइंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस बिकम्स डी स्क्वायर कैपिटल एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर कैपिटल एक्स. टेक व्हाट टर्म ऑन एल एच एस. सो दिस बिकम्स डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जीरो. लेट डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी. सो दिस बिकम्स डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जीरो. दिस इक्वेशन अगेन बिकम्स द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोफिशियंट. सो फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन इज बाय रिप्लेसिंग डी बाई एम. सो दिस बिकम्स एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. क्लियर? Solve this m square is equal to minus p square. Now take the square root of this m is equal to under root minus p square. This can be put as p square into under root minus 1. Now we know that under root minus 1 is iota. So the value of m is the value of plus minus ip. This is the form of 0 plus minus ip. Or this can be write as alpha plus minus I beta. Here roots of auxiliary equation is the form of alpha plus minus I beta. So in this case CF is e to the power alpha x. Here x is the independent variable in this problem. C9 cos beta x plus C10 sin beta x. Clear? Now put the value of alpha and beta in this equation. So we get this becomes e to the power 0 into x. Alpha is 0. C9 cos beta. Beta is px plus C10 sin px. And pi in this question is equal to 0. So x is capital X is CF plus PI. That means C9 cos PX plus C10 sin PX. Clear? Now similarly find the solution for T. This becomes D square capital T by applying the cross multiplication. C square P square into capital T, take all term on LHS. So this becomes
डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी कैपिटल टी कॉमन, ठीक है, क्लियर। सो लेट अस टेक इन दिस प्रॉब्लम डी ओवर डी टी इज इक्वल टू अगेन डी, क्लियर। सो दिस बिकम्स डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इट बिकम्स अगेन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन दिस प्रॉब्लम ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व इट, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर, टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वी गेट द वैल्यू ऑफ आई सी पी। दिस इज ऑल्सो पुट इन द फॉर्म ऑफ जीरो प्लस माइनस आई सी पी। इट इज अगेन द फॉर्म ऑफ एल्फा प्लस माइनस आई बीटा। सो इन दिस केस सी एफ इज ई टू द पावर अल्फा टी, क्लियर, हियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टी। सो ई टू द अल्फा टी एंड कॉन्स्टेंट सी इलेवन कॉस बीटा टी प्लस सी ट्वेल्व साइन बीटा टी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन दिस, सो वी गेट ई टू द पावर जीरो इंटू टी सी इलेवन कॉस बीटा, बीटा इज सी पी टी सी पी सॉरी प्लस सी ट्वेल्व द साइन द वैल्यू ऑफ बीटा इज सी पी, क्लियर। एंड पी आई इन दिस प्रॉब्लम इज इक्वल टू जीरो। सो वी गेट कैपिटल टी इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, दैट मीन सी एफ इज सी इलेवन कॉस सी पी टी प्लस सी ट्वेल्व साइन सी पी टी। नाउ पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन इक्वेशन सेकेंड। सो वी गेट वाई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स मीन्स सी नाइन कॉस पी एक्स प्लस सी टेन साइन पी एक्स, क्लियर। एंड सी इलेवन कॉस सी पी टी प्लस सी ट्वेल्व साइन सी पी टी, क्लियर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फाइव। दिस इज द सॉल्यूशन व्हेन के इज नेगेटिव। Now we have three solutions at this stage, clear? Solution first is y x comma t is equal to c1 e to the power px plus c2 e to the power minus px, c3 e to the power cpt प्लस सी फोर ई टू द पावर माइनस सी पी टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड अदर सॉल्यूशन इज व्हेन के, दिस इज सॉल्यूशन व्हेन के इज पॉजिटिव, क्लियर। दिस इज सॉल्यूशन व्हेन के इज जीरो। वाई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू सी फाइव एक्स प्लस सी सिक्स एंड सी सेवन टी प्लस सी एट, क्लियर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फोर। एंड व्हेन के इज नेगेटिव, के इज नेगेटिव, इन दिस केस वी गेट द सॉल्यूशन वाई एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स टी इज इक्वल टू सी नाइन कॉस पी एक्स प्लस सी टेन साइन पी एक्स इंटू सी इलेवन कॉस सी पी टी प्लस सी ट्वेल्व साइन सी पी टी विच इज गिवन बाय द डेप्थ, क्लियर। दीज आर द थ्री सॉल्यूशंस। आउट ऑफ दीज थ्री सॉल्यूशंस वी हैव choose that solution which satisfies our physical nature of wave
वी नो दैट फिजिकल नेचर ऑफ वेव बी पीरियोडिक, पीरियोडिक दैट मीन्स सॉल्यूशन मस्ट कंटेन्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन. हियर सॉल्यूशन फिफ्थ इज द ओनली सॉल्यूशन विच सेटिस्फाइज फिजिकल नेचर ऑफ वेव. क्लियर. हेंस सॉल्यूशन ऑफ वेव इज वाई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू सी नाइन कॉस पी एक्स प्लस सी टेन साइन पी एक्स सी इलेवन कॉस सी पी टी प्लस सी ट्वेल्व साइन सी पी टी. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ वेव. वेयर सी नाइन सी टेन सी इलेवन एंड सी ट्वेल्व आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स. नाउ फॉर सिंपलिसिटी वी रिप्लेस दीज कॉन्स्टेंट्स वाई सी वन सी टू सी थ्री एंड सी फोर रेस्पेक्टिवली. देन वाई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स सी थ्री कॉस सी पी टी प्लस सी फोर साइन सी पी टी is the required solution of the wave. Is the required solution of 1D wave equation. Clear? Objective question. Clear? The partial differential equation of one dimensional wave is. One dimensional wave is the standard of the del square y over del t square c square del y del square. So option B is correct. Question number 2 is the solution of the wave equation del square y over del t square is equal to c square del square del x square is the standard result. C1 cos px plus c2 sin px plus c3 cos cpt plus c4 sin cpt. Clear? So this the option A is correct. This is the standard result. Option A is correct here. Clear? Okay, thank you.